बच्चों में होने वाले मानसिक रोग भी कई तरह के होते हैं, जैसे मंद बुद्धि का होना मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं, ऑटिज्म है, इस तरह के बच्चे बात नहीं कर पाते हैं, दूसरों की बात को समझ नहीं पाते हैं, अकेले बैठे बैठे तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, गोल गोल घूमना या हाथ हिलाना, इस तरह की बात लक्षण उनमें आते हैं। और बच्चों में होने वाले दूसरे मानसिक रोग हैं, जैसे ADHD बोलते हैं, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें ऐसा होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा अत्यधिक चंचल होता है। नॉर्मल सब बच्चे चंचल होते हैं, लेकिन इनकी चंचलता और नॉर्मल बच्चों की चंचलता में थोड़ा सा अंतर होता है कि ये जैसे ये अपने क्लासरूम में बैठ नहीं सकते हैं, टीचर को परेशान करेंगे, अपने सहपाठी को परेशान करेंगे, अपना काम पूरा नहीं करेंगे, एक काम को अधूरा छोड़ के दूसरे काम में लग जाएंगे। ये अति चंचल होते हैं, चंचल कहना उचित नहीं होगा, ये अति चंचल होते हैं, जिसके कारण इनका देखभाल करना या इनका अपना खुद का काम कर पाना मुश्किल हो जाता है। और ये इस तरह के बच्चों का भी इलाज से, दवाइयों से इनको भी ठीक किया जा सकता है। तो मुख्य तौर पे लक्षण की बात करें तो ये सब लक्षण हैं। अगर हम बचाव की बात करें, जिसके बारे में आपने पूछा था मुझसे, तो अगर जो चीज़ हमारे हाथ में है वो उसके ये हम काम कर सकते हैं, जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जो आनुवंशिक तौर पे हमें मिल चुका है, उससे हम बच नहीं सकते। लेकिन अगर हम बात करें तो 10 to 20% या बात कर ले उससे भी कम जेनेटिक यानी आनुवंशिकता का कारण होता है। ज़्यादातर कारण 90% से ज़्यादा या 95% से ज़्यादा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, स्ट्रेस है, तनाव है, उसके कारण से मानसिक रोग होते हैं। इससे बचने के लिए हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होना, योगा का करना लगातार, समय से अच्छी नींद का लेना, उचित आहार का लेना, मेडिटेशन करना, योगा करना, आप चाहे जिस भी धर्म के हैं, आप उस धर्म के अनुसार से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पर नियंत्रण रख सकते हैं और मानसिक रोग से बच सकते हैं। और दूसरा ये है मानसिक रोग से बचने का, कि जरा सा भी अगर कुछ भी इस तरह का लक्षण होता है तो स्वयं की भावना से अलग हो करके तुरंत मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलें। जितनी जल्दी इसकी पहचान होगी उतना उचित और सही समय पे कम समय में इसका इलाज कर पाना संभव होगा।